हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी पोहे की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही इंस्टेंट बन के तैयार हो जाती है, तो चलिए फटाफट से इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप पोहा लिया है। पोहे को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और ये मीडियम साइज़ का पोहा है। और यहाँ पर मैंने 2 बारीक प्याज काट लिए हैं, 2 से 3 हरी मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून चीनी और राई लिया है 1/3 टीस्पून यानी मस्टर्ड सीड्स, और कुछ मैंने करी लीव्स लिए हैं, हरा धनिया और 1 नींबू और 2 टमाटर मैंने बारीक काट लिए हैं और मूंगफली के दाने यानी पीनट्स। तो सबसे पहले हम पोहा को धुलेंगे अच्छे से। ये देखिए, कुछ मैंने इस तरह से साफ किया है पोहा। पोहा को धुलना बहुत ज़रूरी है अच्छे से, इसको 2 से 3 बार ज़रूर धुलें। ये देखिए इस तरह से, अभी हम ये पानी हटा देंगे और एक बार फिर से पानी से धुलेंगे। ये देखिए मैं पोहा अब साफ़ हो चुका है बिल्कुल, और इसको अब साइड में रख देंगे। और चलिए इसको बनाते हैं अब। तो यहाँ पर मैंने गैस में कढ़ाई रख दी है और इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है यानी सरसों का तेल। और सबसे पहले हम इसमें पीनट्स को तल के निकाल लेंगे। इनको बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस हल्का सा ही, कुछ ही सेकंड के लिए डालेंगे और तुरंत इसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए बस अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। और अब हम इसमें राई डाल देंगे यानी मस्टर्ड सीड्स, करी लीव्स डाल देंगे और थोड़ा सा इनको होने देंगे ताकि करी लीव्स का जो फ्लेवर है ऑयल में अच्छे से आ जाए। और अब हम यहाँ पर प्याज डालेंगे और इसको हम सुनहरा होने तक अच्छे से भूनना है। तो ये देखिए, और यहाँ पर प्याज भून चुका है। और अब हम यहीं पर टमाटर डाल देंगे। तो यहाँ पर अभी हम इसी के ऊपर नमक डाल के और इसको कवर कर देंगे ताकि टमाटर को हमें भी गलाना है। तो इस तरह से देखिए ऐसे कवर कर देंगे और इसको 1 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। यहाँ हमने ढक दिया है और यहाँ पर 1 मिनट हो चुका है। और ये देखिए टमाटर अच्छे से गल चुका है, नमक डालने से टमाटर अच्छे से गल जाते हैं। मिला देंगे इस तरह से दबा दबा के। और यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया, मिला देंगे। और ये चीनी डाला मैंने, और अब मैं यहीं पर नींबू का रस डाल दूंगी। ये देखिए मैंने नींबू का रस ऐसे डायरेक्ट इसमें डाल दीजिए और मिला दीजिए अच्छे से। और अब जो मैंने पोहा धुल के रखा था वो डाल देंगे। ये देखिए कितना अच्छा फूल के तैयार हो गया है। तो ये मैंने पोहा डाल दिया कढ़ाई में और अब हमें इसको मिलाना है अच्छे से। और अब हम यहाँ पर मूंगफली के दाने डाल देंगे और इसको 1 मिनट के लिए ढक देंगे। और बस पोहा बन के तैयार हो जाएगा। इसको ढक देंगे 1 मिनट के लिए। यहाँ पर देखिए 1 मिनट हो चुका है और पोहा बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। इसको 6 से 7 मिनट लगे हैं बस बनाने में मुझे। और यहाँ पर हम हरा धनिया डाल देंगे और इस उसके बाद फिर हम सर्व करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है पोहे में और खाने में भी बहुत ही टेस्टी। ये सबको बहुत ही पसंद आते हैं। आप इस तरह से बनाइए
इसको बच्चों के टिफ़िन में भी रख दीजिए, बच्चे बहुत ही अच्छे से खाते हैं, बच्चों को भी बहुत ही पसंद आता है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।